करुणायावतारम संसार सारम भुजगे नहारम सदावसंतम हृदयारविंदे भवान भवानी शैतान नमामि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्यार्थिनम् तमेव तमेव ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णार्थ पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 नारायण हरि नारायण हरि शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि परमात्मा का महिमा मैंने माता सरस्वती भी बोल के वर्णन खत्म नहीं कर पाती। अलग अलग जगह अलग अलग विचित्र घटना से पता चलते हमने सत्संग में बोला था जो सत्संग से सब प्रकार दोष खत्म हो जाती है। आज सुबह सत्संग में भी वही बोला, सुबह सत्संग में हमने क्या बोला याद है? सुबह सत्संग में क्या बोला था? राजा हरिश्चंद्र का प्राप्त कर्म, उसको शशागढ़ पित्ति का राजा था और सत्य निष्ठा, सत्य क्या है? धर्म, धर्म को पकड़ के चलने वाला, तो उसको भी कितना पकड़ उस सच्चाई को प्रमाण देना पड़ता है। भगवान भी उसको कठोर परीक्षा का बात उसको प्रमाण किया संसार में, जहाँ संसार जब तक रहेगा काशी धाम
तब तक तुम्हारा नाम हमेशा अमर रहेगा। आदमी आते मर के चला जाते, दुनिया कोई याद नहीं रखती। कितना राजा, कितना महाराजा, कितना बड़ा बड़ा व्यवसायी, कितना पढ़ा लिखा आदमी मर गया चला गया, उसको कोई याद ही नहीं करते। बस घर वाला थोड़ा याद कर लिया तो ठीक है, ना तो वो भी आजकल खत्म हुए। तो इस कारण से कठोर जो तप करते हैं, कष्ट करके वो कोई चीज हासिल करते हैं, तो वही तो कठोर परिश्रम कहाँ है, सच को पकड़ के चलना, सच को साथ जीवन बिताना बहुत ही कष्टदायक दुखदायक होते हैं। लेकिन परमात्मा सच का मूल्य परमात्मा का दरबार में मिलता है। इस संसार में झूठा का कीमत मिलता है, जो झूठ छल कपट करेगा उसको यहाँ कीमत देते हैं, लेकिन सच का वैल्यू परमात्मा का दरबार में है। ऐसे एक सच दोस्त अपने दोस्त के ऊपर विश्वास करता था, तो उसने आर्मी में काम करता था, तो उधर लड़ाई लग गया, तो उसने बोला देख भाई मेरा पास इतना पैसा है, अभी 20-25 लाख उसको दे दिया। देखो बोला देख मैं वापस आ जाऊँ तो मैं तो पैसा ले लूँगा, अगर वापस नहीं आ लड़ाई में मर जाऊँ तो ये पैसा हमारा परिवार को दे देना, हमारा बीवी बच्चे को। दोस्त के ऊपर विश्वास, तो वो चला गया लड़ाई में मर गया। अब मरने के बाद फिर उसका मन का अंदर झूठ का असर हो गया। अब झूठ का असर होते ही उसने क्या किया, वही पैसे को खुद हड़प कर लिया, क्योंकि दुनिया में और किसी का पता ही नहीं था। बस वो फल फूला काफी, आर्मी का परिवार बहुत दुखी हो गया। वो अपना उसका रुपया पैसा जो मिला बहुत कष्ट से अपना जिंदगी बिताने लगा। लेकिन उसका जो दोस्त झूठ मार्ग में जाके उस पैसा को हजम करने की कोशिश किया, लेकिन आपने बोला ना परमात्मा के दरबार में सच्चाई का कीमत है, आप उसका भी बच्चा नहीं हुआ। तो बहुत दिन बाद एक लड़का जन्म लिया उसका घर में, तो घर में बहुत आनंद का माहौल हो गया और वो सेठ भी बहुत खुश, कारोबारी, उसका बीवी भी खुश। लेकिन जन्म होती बच्चा बीमार, तो भगवान उसको कष्ट कैसे दे रहे हैं यही देखने लायक है। अपना बच्चा को तो सभी प्यार करते हैं, उसको कष्ट में उसको कष्ट मिलता है। अब बच्चा को साथ जोड़ने का कारण उसका परमात्मा ने ऐसी कष्ट देने लगा, दिन रात खाना पीना सोना मुश्किल हो गया। बच्चा को लेके कभी डॉक्टर के पास, कभी झाड़ फूक के पास, कभी माने ज्योतिषी के पास भागते रहे, लेकिन उसको बीमारी दूर नहीं कर पा रहे। पैसा पानी का माफी खर्चा होते रहे, एक तरफ दुख कष्ट अशांति, अपना कारोबार में मन नहीं लगा पा रहे, बच्चे को ठीक करने के पीछे उसने सारा कमाई लगाने लगा।
तो एक दिन वो बच्चा बोला कि पिताजी, आप 25 लाख होने में 5 रुपया और बाकी है। तो बोला जे, वो बच्चा बोल रहे हैं, पिताजी अब 5 रुपया वो संत को देके हमारा हाथ में एक धागा लगा लेंगे तो मैं सुस्त हो जाऊंगा। इतना पैसा खर्चा हो गया, 30-35 लाख खर्चा हो गया, और 5 रुपया देके हमारा ये तबीयत ठीक हो जाए। बोला हाँ पिताजी। और वो ऐसे ही किया तो बस उसको हाथ में धागा लग पाता, 5 रुपया दिया, वो बच्चा ठीक हो गया। ठीक होने का बाद उसने बाबा ने बोला, तूने किसी का कर्जा लिया होगा, किसी का पैसा तू ठग लिया, किसी का तू पैसा मार लिया, जो तेरा बेटा जन्म से इस प्रकार कष्ट भोग रहे है, और तू ना इसको छोड़ पाएगा ना इसको, जैसे जैसे दुख होगा तेरा को भी मिलेगा। तो जब बच्चे से पिता माता का दुख होता है, कष्ट होता है, तो जरूर उसका प्राप्त का कर्म का अनुसार उसका दुख तकलीफ आती है। वही बच्चा है, उसको कष्ट देगा, दुख देगा, तकलीफ देगा। ऐसे घटना तो हमने संसार में बहुत से दिखाई दे रहे। बहुत दिन पहले यहाँ आश्रम में, यहाँ से राष्ट्रपति गुजरना था, शिवानंद आश्रम जाना था, तो यहाँ सारे पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी लग गया। वो वहाँ से हेलीकॉप्टर में उतरेंगे, आईडीपीएल में हेलीकॉप्टर में उतार के इधर से सीधा जाके वो अपना शिवानंद आश्रम। तो यहाँ 2 दिन से ड्यूटी लग गया। अब वो ड्यूटी लगने के बाद हमारा यहाँ से आईडीपीएल गेट तक एक पुलिस ऑफिसर, उसको सिपाही लोग सब आया, 3-4 आदमी, तो हमको बोलने लगे जी महाराज, हम लोग का यहाँ रहने का व्यवस्था हो सकते हैं? तो हमने बोला देखिए, हमारा पास तो कुछ भी नहीं है, आप लोग रह सकते तो ये हम आपको मंदिर तब बनना ही नहीं, ये जगह बना ही नहीं, ओपन था लेकिन कच्चा था। हमने बोला यह चारपाई दे देंगे, चारपाई लगा के आप सो जाओ। तो फिर पुलिस ऑफिसर खुश होकर अपना चारपाई बिछा के सोने लगा। तो एक दिन ऐसी सत्संग कर रहे थे तो वो मेरे को पूछा, जो हम तो बहुत बड़ा दुखी का कारण, और मैं पुलिस का नौकरी कर रहा हूं संसार को चलाने के लिए। तो हमने एक दिन इस जगह में बहुत पैसा कमाया, हम पुलिस अफसर था, इस कारण से पैसा बहुत कमाया, बहुत आदमी को सताया, बहुत ही किया। तो मेरा 24 साल का लड़का अचानक बीमार हो गया, हमने सारी पैसा लगा दिया, एक ही बेटा था, बहुत लायक लड़का था, लेकिन हजारों जगह गया, हमारा बेटे को नहीं बचा पाया। और हमारा वहां से पुलिस अफसर होने के बाद भी हमको डिप्रेशन हो गया, अपना नीचे आ गया पोस्ट पे, अब मैं थानेदार बन गया। अब मेरे को एक मंदिर में ड्यूटी मिला, मैंने इतना घटिया जगह में ड्यूटी मिला जहां पैसा खा नहीं सकते।
मेरा ये दुख ही है कि मेरा बेटा वो मैं बचा नहीं पाया, मेरा कारण से, मेरा ये गंदगी पैसा से उसके जीवन नाश हो गया। तो यही बात है, पैसा हमारा जीवन का सच्चाई के साथ चले तो हमारा जीवन का उन्नति होता है। तो यही परमात्मा रखे गए, तो हमारा झूठा झूठा जो ये है उसको पैसा तो बहुत आते आला धुन, लेकिन उससे सुख शांति हमारा छीन लेते हैं और उल्टा हमको कष्ट दुख तकलीफ देते हैं। तो इस कारण से गुरु जी हम लोग का ये कहानी सुनाया, जो अपना यहाँ जाता था भिवानी में, तो वहाँ एक संत था वो खाकी बाबा, तो वहाँ आश्रम का वो बना हुआ था बहुत बड़ा मंदिर, वो सत्संग भवन ये वो बना हुआ था। तो खाकी बाबा सिद्ध पुरुष था, तो बोलते इस महल से, इस जो है बिल्डिंग से मेरे को बदबू आती है, सड़ा हुआ गला हुआ, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो माने इसका अंदर जो पैसा लगाया वो पैसा शुद्ध पैसा नहीं है, अशुद्ध पैसा होने का कारण उसको ये भगवान भी स्वीकार नहीं कर रहे। तो इस कारण वो बिल्डिंग, गुरु जी बोला 5 साल बाद किया तो देखा वो बिल्डिंग भाग तोड़ दिया उसने। तो सच्चाई का जो ये है, जो फल स्वरूप है, वो कष्टदायक तो होता है। जैसा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को मिला, भगवान ने तो उसका कष्ट दिया, अपना राज छीन लिया, बीवी बच्चा छीन लिया, खुद अपना वो काल डोम बन गया, वो अपना मुर्दा जलाने वाला शमशान। लेकिन भगवान भी देखा, जो एक किसी भी परिस्थिति में सच्चाई को नहीं छोड़ा, भगवान उसको दर्शन दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब बच्चों को वापस दिया, बीबी को वापस दिया, सब कुछ वापस हो गया, अपना राजपाट सब कुछ वापस हो गया। और दान लेने का कारण, राजा हरिश्चंद्र का दान लिया था कौन, विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र का 10,000 साल का तपस्या उस दान लेने का कारण छिन्न हो गया। 10,000 बरस का तपस्या छिन्न हो गया, तब भी राजा हरिश्चंद्र उसको दे दिया, खुद भिखारी बन गया और विश्वामित्र तो लेके दुखी हो गया, वो दान को लेके अहंकार बस कि विश्वामित्र तो राजा तो पहले राजा ही था, तो इसका कारण अहंकार का कारण उसका 10,000 साल का तपस्या समाप्त हो गया। तो वो भी दुखी हो गया, राजा हरिश्चंद्र को वापस देखे, तब उसको राजा हरिश्चंद्र का जो था विश्वामित्र ही बोला, जो सच का एग्जाम परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, सच का जब कष्ट दुख तकलीफ होता है तो जो कष्ट दुख तकलीफ को सुख मानते हैं वही आनंद लेते हैं, तो उसके संसार का और कोई भी उसको दुख नहीं दे सकता, उसका कष्ट नहीं दे सकते। तो इसीलिए कष्ट में भी वो आनंद लेते हैं, क्योंकि इसको सच मार्ग में चलना, सच बोलना,
सच भाव से संसार में विचरण करना ये बहुत कठिन है। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को हमेशा समझा रहे थे, तो देखो तुम्हारा सामने कितना प्रकार परीक्षा लेगा भगवान, लेकिन सच को अगर छोड़ दिया तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर सच को साथ रखा तो कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, अपमान करेगा, लेकिन सहन करके तुम आगे बढ़ो। इसको सहन करो, सहन करके आगे बढ़ने से तुमको परमात्मा जो आनंद जो शांति देगा, तो सच का कीमत परमात्मा के दरबार में है, और झूठ का कीमत इस संसार देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं सच मार्ग में चलने से हजारों शत्रु होता है, और झूठा मार्ग में चलने से हजार मित्र होता है। एक गुरु जी ने हम लोग को सुना के गया, ये बोल के आज यह समाप्त करता हूं। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।